शांति। आज दादा जगदीश भाई जी का अनुभव सुनते हैं साकार बाबा के साथ में। वे कहते हैं कि बाबा के साथ बिताया हुआ हर एक क्षण निस्संदेह अत्यंत ही अनमोल घड़ियां थी। उनके संग और संपर्क की वे घड़ियां इस आत्मा पर अमिट छाप छोड़ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञानमय जीवन के प्रारंभ से ही बाबा की हर एक कृति को मैं अपने लिए कृपा मानता हूँ। मुझ प्रभु प्यासी आत्मा को योग्युक्त करने के लिए बाबा ने क्या नहीं किया होगा। मुझ पर उनका मधुरमय प्यार एक ऐसा प्यार था जो अनिर्वचनीय है। दिन हो या रात, सोने का समय हो या जागने का समय, उनकी कृपा दृष्टि एक चुंबक की तरह मुझ लोहे को अपनी ओर खींच लेती। इसके उदाहरण स्वरूप जीवन में अत्यंत घटनाएं हैं जिनका उल्लेख हम भ्राता जी कर रहे हैं। एक दो घटना हम सुनते हैं उसमें से। एक अजब सुरूर को लिए हुए धीरे धीरे नीचे उतर आता था। ये वृतांत सन 1953 का है। तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय भरतपुर के महाराजा की ब्रिज कोठी में स्थित था। यह कोठी आज भी माउंट आबू में वर्तमान बस अड्डे से या बस स्टैंड से कोई 1.5 फलांग आबू रोड की ओर है। उस कोठी के इस हिस्से एक हिस्से का नाम उस कोठी का था सरदारी क्वार्टर्स। उसके ऊपर की मंजिल में बड़े बड़े कमरों में बहुत बड़ी बड़ी चारपाइयां ही पड़ी थी। एक दिन की बात है कि रात्रि को बाबा उस कमरे में लेटे हुए थे और वे ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय ज्ञान इत्यादि की मीठी मीठी बातें हम 5-7 उपस्थित जनों से काफी देर तक बड़ी सहृदयता और बड़े वात्सल्य से करते जा रहे थे। उन बातों से आत्मा को बड़ा सुख अनुभव हुआ और उनको सुनते सुनते योग में ऐसी स्थिति हुई कि मन करता था श्रीमुख से यह चर्चा होती रहे ताकि ये आत्मा आज पूर्णतः धुलकर योग की उत्तम सर्वोत्तम पराकाष्ठा का पारावार पाले। इतने में ही जो वरिष्ठ बहनें मेरे साथ बैठी थी उन्होंने कहा, जगदीश भाई अब चलो बाबा को आराम करने दो, काफी देर हो गई है। मैं मन महसूस कर रह गया, अपने प्रियतम के आराम में खलल कैसे डाल सकता था। बाबा ने मुस्कुराते हुए चितवन से कमल नैनों को विशेष आभा देते हुए मेरी ओर निहारा और मैं उस चित्र को मन के फ्रेम में जड़कर वहां से प्रस्थान करने लगा। एक विचित्र दशा थी, अनुभव कर सकते हैं ना, महसूस करो। मन जाना नहीं चाहता था, बुद्धि जाने का निर्णय देती थी और टांगे इस असमंजस में थी कि वे मन की बात माने या बुद्धि की। लाचार चल रहा था, परंतु चलते समय भी ऐसा अनुभव होता था कि आज पाव पृथ्वी पर ही नहीं है, हालांकि छत पर भी नहीं है, ऐसा पाव जैसे आसमान में हो, ऐसी फीलिंग आती है, बल्कि मैं स्वयं को प्रकाश के एक समुद्र में विदेह अवस्था में अनुभव करता था। एक अजब सुरूर को लिए हुए धीरे धीरे नीचे उतर आया। नीचे कुछ कमरे थे जिन्हें धोबी क्वार्टर कहते थे, क्योंकि वहां 2 कमरों में कपड़े प्रेस करते थे। उसके निकट ही कई खाली कमरे थे। मैं उसी ओर बढ़ रहा था क्योंकि उस रात्रि को मेरे शयन की वहां व्यवस्था थी। जब मैं बाहर आकर चल रहा था तो चांदनी की सफेद छटा
छिटक रही थी। उसने मेरी उस प्रकाशमय स्थिति को और बल दे दिया। इतने में मैं अपने कमरे तक आ पहुंचा। वहां आकर कुछ देर अपनी चारपाई पर इसी मस्ती में बैठा रहा, क्योंकि उस स्थिति में नींद का तो नाम ही नहीं था। आखिर कब तक बैठा रहता, उसी कमरे में वहीं लेट गया। अपनी आंखों और अपने कानों पर एतबार भी नहीं हो रहा था। फिर सतीश भाई कहते हैं, परंतु बाबा की वह तस्वीर भुलाए नहीं भूलती थी। उस मौन चित्र से मेरे मन में ऐसी आवाज आती कि बच्चे, ये तुम्हें विदा कर रहे हैं, तुम्हें इन्हें जाने देना है, और अभी तुम भी चले जाओ, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बस यही अव्यक्त आवाज भीतर के कानों में गूंजती रही, वही मुस्कान भीतर की आंखों के सामने आती रही, और वही बंद होठ कुछ बोलते हुए सुनाई देते रहे, और वही नयन कुछ इशारा करते हुए महसूस होते रहे। इस अजब हालत में समय गुजरते पता भी नहीं चला, परंतु सोचने से ऐसा लगा कि तब रात्रि के 12:30 या 1 का समय हो गया होगा, क्योंकि लगभग 11 बजे तो मैंने बाबा के यहाँ से प्रस्थान किया था। इतने में देखता क्या हूँ कि अकेले बाबा उस कमरे में मेरे सामने आ खड़े हुए हैं और प्यार से पुचकार कर कह रहे हैं, क्यों बच्चे, नींद नहीं आ रही है? बाबा को देखकर मुझे बेहद खुशी भी हुई और साथ साथ मुझे अपनी आंखों और अपने कानों पर एतबार भी नहीं हो रहा था। मैंने थोड़ा उठने की कोशिश की कि बाबा की ओर बढ़ूं, परंतु बाबा ही मेरे सिरहाने की ओर बढ़े और मस्तक पर हाथ रखते हुए बोले, बच्चे अब सो जाओ, फिर सुबह मिलेंगे। काश मुझे वह शिष्टाचार भी नहीं आया कि उठकर बाबा के कमरे तक साथ चला जाता, परंतु यह बाबा का ही प्रभाव था कि बस यादों में खोए हुए मुझ पर धीरे धीरे नींद ने नी चादर डाल दी। बस इसके बाद जब प्रातः उठा तो रात का वो दृश्य फिर याद हो आया और मैंने सोचा कि हमारे बाबा शिव बाबा के माध्यम होने से दोनों किस प्रकार हमारी याद से अपनी याद का तार जोड़े हुए हैं और किस प्रकार वह करुणा कर एक नाचीज बच्चे के याद करने पर उसके प्यार की डोरी से खींचे चले आते हैं और अपने वरद हस्तों से और उसे दुलार देकर सुलाते हैं। यह सब तो अनुभव की बात है, परंतु इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि ज्ञान और प्रेम की डोरी द्वारा बाबा से याद की तार कैसे जोड़ी जा सकती है। बहुत ही सुंदर और रोमांच खड़े कर देने वाला अनुभव रहा ना। कंटिन्यू करेंगे 2 मिनट के लिए। शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे संगठन में बाबा के घर के लिए। Thank you.
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि, ओम शांति।